नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन सेंटर से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। पिछले बार भी जब बोर्ड का एग्जाम था तो उस बोर्ड के एग्जाम में दो प्रैक्टिस के पूछे गए थे, यानी 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो तो प्रैक्टिस के से संबंधित क्वेश्चन था और इसी बुक से पूछे गए थे दो प्रैक्टिस के। ऑन द फेस ऑफ इट अपन अध्ययन करेंगे एक चेहरे का प्रभाव, ऑन द फेस ऑफ इट इसके आधार पर, इस चेहरे के आधार पर, और ये जो है एक प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच की कॉन्वर्सेशन है, एक अधेड़ व्यक्ति है, दूसरा जो है तुम्हारे जैसा यूथ है, युवा जो अभी टीनेजर है, लगभग 14 साल की उसकी उम्र है, 13-14 साल की होगी। उन दोनों की जो बातें होती है तो सांसारिक जो कॉन्वर्सेशन होती है उसका एक व्यक्ति के जीवन पर कैसा इफेक्ट या डिफेक्ट पड़ता है, ये अपन इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीन नंबर वन। सीन नंबर वन का मतलब है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सीन है, मतलब आप उस दृश्य को थोड़ा सा अपने माइंड में फिक्स कीजिए। मिस्टर लैम्स गार्डन, श्रीमान लैम्प का बगीचा है। देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, कभी कभार पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है। एंड द ट्री लीव्स रसलिंग, और पेड़ की पत्तियों की सरसराहट की आवाज आती है। पेड़ के पत्तियों की सरसराहट की आवाज आती है। टेरीज फुटस्टेप्स आर हियर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और टेरी जब लंबी लंबी घास में बड़े ध्यान से और सजग होकर चलता है तो उसके फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। सीन समझ में आ गया। मिस्टर लैम्प का गार्डन है, बगीचा है, और कई बार पेड़ की पत्तियों की आवाज आती है, तो कई बार पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है, और उस बगीचे में लंबी लंबी घास है। उस घास के अंदर जो टेरी नाम का कोई लड़का है, वो लड़का बड़ा सजग होकर, टेंटिवली का मतलब होता है सजगता के साथ, टेलीग्रेटली, तो वो बड़ी सजगता के साथ सावधानी से जब उस घास में चलता है तो उसके फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, उसके कदमों की आवाज सुनाई देती है। ही पॉजेस, चलते चलते वो रुकता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, इसके बाद फिर से वो चलना शुरू कर देता है। ही कम्स राउंड द स्ट्रीट ऑफ बुशेस, तभी वो चलते चलते झाड़ियों के झुंड के पास आ जाता है। चलते चलते वहां जो बगीचा है, उस बगीचे में झाड़ियों का झुंड है, वह चलते चलते उस झाड़ियों के झुंड के पास आ जाता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, तभी श्रीमान लैम्प उससे बोलते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, उसको संबोधित करते हैं। ही क्लोज एट हैंड, और वो जैसे ही देखता है कि मिस्टर लैम्प उसके बिल्कुल बगल में ही है, पास में ही है, टेरी स्टार्टर, टेरी चौंक जाता है। आश्चर्य होता है उसको कि मैं इतनी सावधानी से, सजगता से, कोई नहीं है ये देखते हुए चल रहा हूं, और ये उठा व्यक्ति जो मेरा बैठा हुआ है बिल्कुल मेरे पास में आ गया, मेरे को पता ही नहीं चला। अब देखिए इन दोनों की कन्वर्सेशन है, आगे पूरा जो चैप्टर है इन दोनों की कन्वर्सेशन है, या फिर डेरी के कोई पेरेंट्स है तो उनकी थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ा सा इनका रोल है। मिस्टर लैम्प कहता है, माइंड द एपल्स, डेरी बड़े सावधानी से सजगता के साथ घास में चल रहा था, तभी मिस्टर लैम्प की आवाज आती है, और मिस्टर लैम्प कहते हैं, माइंड द एपल्स, सेबों का ध्यान रखना, जो सेम होते हैं फल, सेबों का ध्यान रखना। डेरी कहता है, व्हाट हुज दैट, हु इज दैट, क्या कौन कौन है वहां, कौन है वहां, मतलब जैसे ही आवाज आई कि सेबों का ध्यान रखना, तो डेरी ने कहा, क्या कौन है वहां। मिस्टर लैम कहता है, लैम स्माइल है, भाई मेरा नाम लैम है, माइंड द एप्पल्स, मैं तो ये कह रहा हूं कि सेबों का ध्यान रखना, सेबों का,
crab apples, rose or windfalls in the long grass. इस लंबी लंबी घास में हवा से गिरे हुए सेब पड़े हुए हैं, यानी बगीचे के अंदर सेब के पौधे पैर होंगे तो उनसे हवा के कारण सेब ऊपर से नीचे गिर गए होंगे। तो वो कहता है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा नाम तो लेम है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि सेबों का ध्यान रखना, क्योंकि लंबी लंबी घास में हवा से गिरे हुए सेब पड़े हुए हैं। हवा से गिरे हुए क्या पड़े हैं? सेब पड़े हुए हैं। यू कुड ट्रिप, तुम्हारे पांव से कहीं टकरा जाए, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कोई चीज अंदर पड़ी है तो हमारे पांव के नीचे दब सकता है, हमारे पांव से टूट सकता है। तो वो कहता है कि मैं तो ये कहता हूं सेबों का ध्यान रखना, तो हवा के कारण नीचे घास में पड़े गए ऐसा हो कि तुम्हारे पांव से ट्रिप हो जाए। कैरी कहता है आई हेयर आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, मैंने तो सोचा था कि ये खाली स्थान है, मैंने तो सोचा था कि ये खाली स्थान है। कहने का मतलब ये बगीचा खाली है, इसमें कोई होगा ही नहीं। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर, मैं नहीं जानता था यहां कोई व्यक्ति है, मुझे इस बात का पता ही नहीं था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ होगा। मैं तो ये सोचता था कि ये खाली स्थान है और यही सोचकर मैं अंदर आया था। मिस्टर लैम कहता है दैट्स ऑलराइट, चल ये बात तो ठीक है, आई एम हियर, मैं हूं यहां, तुमने सोचा था यहां कोई नहीं होगा लेकिन यहां मैं हूं, अब क्या फर्क पड़ गया इसे, मैं हूं ना, तुमने सोचा था कोई नहीं होगा और मैं यहां हूं। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, अरे लड़के तू किस बात से डरा हुआ है, तू डरा हुआ क्यों है, तुमने सोचा था यहां कोई नहीं होगा यहां मैं हूं, तो इसमें डरने की कौन सी बात है। That's all right, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने सोचा था और इसके बावजूद मैं यहां हूं, कोई बात नहीं, किस बात से डरा हुआ है। डेरी कहता आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एंड एम्प्टी हाउस, अरे तू तो है, मुझे दिख रहा है तू है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि तू खाली घर होगा, खाली बगीचा होगा, बगीचे में जो घर बना हुआ है वो खाली होगा। आरती शर्मा वीडियो क्या नाम है ये आरती है, दोबारा और मत करना, मैं रिव्यू करूंगा क्लास। I thought it was empty and empty house. मैंने तो सोचा था कि ये खाली घर है और ये सोच कर ही आएगा और यहां आगे तू बैठा है। मिस्टर लैम कहता है सो इट इज सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, अरे भाई तुमने सोचा था खाली घर है तो घर तो खाली है क्योंकि मैं तो यहां बाहर बगीचे में बैठा हूं, घर में रहने वाला मैं और मैं कहां बैठा हूं, बाहर बगीचे में बैठा हूं, तो तुमने जो सोचा था घर खाली है, घर तो खाली है, सही सोचा था। इट इज एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड, और जब तक मैं वापिस दोबारा अंदर नहीं चला जाता हूं ये खाली होता है, क्योंकि इसमें रहने वाला एक मात्र ही जो तुमने तो सोचा था ना कि यहां कोई नहीं होगा तो कोई नहीं, क्योंकि मैं तो यहां बाहर बगीचे में बैठा हूं और जब तक मैं बाहर रहता हूं वापिस अंदर नहीं जाता तब तक ये खाली ही रहता है, तब तक ये खाली ही रहता है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर, क्योंकि ये जो समय होता है ना इस समय में बाहर होता हूं, इस समय में यहां बाहर होता हूं। एंड लाइक यू टू स्टॉप, और इस समय मेरे को बाहर रुकना अच्छा लगता है। एट ए लाइक दिस ब्यूटीफुल डे नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, और आज जैसा तो दिन है इतना सुहाना इतना सुंदर दिन, ये कोई अंदर रहने वाला दिन है क्या, और इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वेदर जितना प्लीजेंट होता है वो
अंदर रहने वाले व्यक्तियों को ऑटोमेटिक बाहर निकाल है। गर्मी का मौसम है, बारिश होना शुरू हो गई, बच्चे घरों से बाहर निकल जाते हैं बारिश में भीग लेते, बच्चों को छोड़ दिए, बड़े बूढ़े निकल जाते हैं, जिनके बाहर जगह नहीं है वो छत पे चढ़ जाते हैं, कौन निकालता है उनको? कोई नहीं निकालता। मौसम तो लैम कहता है कि ये जो दिन है आज जैसा दिन, इतना सुहाना, इतना सुंदर, इतना अच्छा, ये कोई घर के अंदर रहने वाला दिन है क्या? इस ऐसे समय बाहर ही रहता हूं। तो तेरी पहली गाई है वो टू को, तेरी डरता हुआ कहता है कि मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं तो जाऊंगा। मिस्टर लैम कहता है बहुत लॉन्ग माय अकाउंट, देख भाई मेरी वजह से मत जाना, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मेरे कारण से मत जाना, मेरी वजह से मत जाना, इसलिए मत जाना कि ना मैं हूं इसलिए तेरे को जाना पड़े। आई डोंट माइंड हू कम्स इनटू द गार्डन, क्योंकि मैं कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे बगीचे में कौन आता, मैं कभी परवाह नहीं करता इस बात की कि मेरे बगीचे में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, मेरे बगीचे के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि मेरा जो बगीचा है उसका दरवाजा मैं हमेशा खुला रखता हूं। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार पर चढ़कर तुम तो आया है, वरना मैं तो दरवाजा खुला रखता हूं, दरवाजे से आओ आराम से, जब किसी का मन करे अंदर आओ, जब किसी का मन करे बाहर जाओ, मैं हमेशा दरवाजा खुला रखता हूं। मेरा वो बगीचा है, उस बगीचे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ये तो दीवार मान कर तू आया है, यानी कि तेरे को दीवार पूछने की क्या जरूरत, मैं तो सबके लिए दरवाजा खुला रखता हूँ। तेरी एंग्री, तेरे को गुस्सा आ जाता है, यू आर वॉचिंग मी, इसका मतलब तू मुझे देख रहा कि जब मैं दीवार पे चढ़ के छलांग लगा रहा था, इसका मतलब तू मुझे देख रहा। मिस्टर लैम कहता आई सो यू, मैंने तुम्हें देखा था जब तुम दीवार पर चढ़कर अंदर आ रहे थे या दीवार कूद कर अंदर आ रहे थे, मैंने तुम्हें देखा था, बट द गेट्स ओपन, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दरवाजा खुला है, दरवाजे से आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, और वेलकम, सबका स्वागत है, मैं सबका स्वागत करता हूं, यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। I sit here, I like sitting. मैं यहीं बैठता हूं, मेरे को यहां बैठना अच्छा लगता है, इसलिए यहां किसी के आने की कोई मनाही नहीं है, ये मेरा बगीचा है, मेरा घर है, घर खाली है क्योंकि मैं बाहर बैठा हूं, जब तक मैं अंदर नहीं जाता घर खाली रहता है, और मेरे गार्डन का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है, मैं कभी भी किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करता, किसी को दीवार कूद कर आने की जरूरत नहीं है, जैसे कि तू कूद कर आया। डेली कहता है आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, चल ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं मैं यहां पर चोरी वोरी करने नहीं है, तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मैं दीवार कूद कर आया तो यहां कुछ चुराने आया हूं, मैं यहां कुछ चुराने नहीं आया हूं, वो नहीं है। मैं यहां कुछ चुराने नहीं आया हूं, मेरा यहां आने का उद्देश्य कोई चोरी करना नहीं है, मैं यहां चोरी करने के उद्देश्य से नहीं आया हूं। मिस्टर लैम कहता है नो, अरे नहीं नहीं भाई, द यंग लैड्स स्टील, छोटे छोरे चुराते हैं, लैड्स का मतलब है लड़के से है, छोरे से ग्रामीण भाषा होती है ना, लड़के को गांव में कहते हैं छोरा, तो वो लैड जो वर्ड है वो ग्रामीण भाषा का वर्ड है जिसको अपन कह सकते हैं छोरा। तो मुझे लैड कहते हैं तू नहीं, छोटे छोरे होते हैं ना छोटे बच्चे, वो चुराते हैं, इस टर्म का एप्पल्स, वो एप्पल्स को चुराते हैं, यू आर नॉट सो यंग, अब तुम वो इतने छोटे थोड़ी हो तो सेल चुराने के लिए आओगे, छोटे बच्चे जो आते हैं वो चुराते हैं। कैरी कहता है आई जस्ट वांटेड टू कम इन इनटू द गार्डन, मेरी बात सुनने, मैं सिर्फ बगीचे में आना चाहता था, मेरा बगीचे में आने का उद्देश्य सिर्फ ये था, दैट आई वांटेड टू कम इन,
कि मैं अंदर आना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बगीचे में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं बगीचे में आना चाहता था, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी मोटो, बिना किसी उद्देश्य के आना चाहता था, बिना किसी कारण के आना चाहता था, और मैं बगीचे में आ गया। मिस्टर लैम कहता है सूर्य वृक्ष यह क्या है, तू बगीचे में आना चाहता था, वो तो तू आ ही गया, तब भी तो हम हो गए, वरना अब तक तो नहीं था। अब तक कौन था? मैं था। अब तू आगे हो तो क्या हो गए? मैं और तू हम हो गए, तभी तो हम हो गए। पहले करता है तुम कौन तुम घूमना है, मेरी बात सुन, को हम वाले मेरी बात सुन ले, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ये बात कौन कहता है? तेरी। दोनों फैक्टर्स का ध्यान रखना। तेरी कहता है हम हो गए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात सुन ले, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। मिस्टर लैम कहता है ऑल 13 और सो, तू कौन है? 13 साल के आसपास का एक लड़का है, 13 साल का लड़का लगता है मुझे, और तू क्या है? वो कह रहा है कि मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। तब मिस्टर लैम कहता है तू कौन है, मुझे तो 13 साल का लड़का लगता है। तेरी लड़का 14, 14 का बहुत छोटा का, 13 का नहीं, कितने का हूं? 14 का हूं। बट आई हैव नॉट टू गो नाउ, बट आई हैव नॉट टू गो नाउ गुड बाय, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, अलविदा। मिस्टर लैम कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अरे डरे मत भाई, डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी, यहां सिर्फ बगीचा है, मैं हूं, इसमें डरने की क्या बात है? मतलब तू डर किससे रहा है? बगीचा को डरने की चीज हुई, और मैं जो अपने बगीचे में सबका स्वागत करता हूं, मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं, तो तू किससे डरता है? यहां सिर्फ बगीचा है, मैं हूं और कोई नहीं है। मिस्टर लैम कहता है, सॉरी डेरी कहता है, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं तो नहीं करता, तेरे को किसने कह दिया मैं करता हूं? मैं तो नहीं करता, पेपर आर पेड ऑफ मी, अरे सुन ले हो, मेरे से लोग डरते हैं, और तू मुझे कह रहा है कि डरने की बात नहीं, मैं नहीं करता। तू इस चीज को समझ ले कि मेरे से लोग डरते हैं। मिस्टर लैम कहता है भाई सुन ले, तेरे से लोग क्यों डरेंगे भाई, ये बता तेरे से लोग क्यों डरेंगे? तेरी कहता है एवरीवन इज, मेरे से हर कोई डरता है, मेरे से हर कोई डरता है, इट डजंट मैटर हु दे आर, वे लोग कौन है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे से वो जवान है, बूढ़ा है, युवा है, मोटा है, पतला है, लड़की है, लड़का है, औरत है, पुरुष है, कोई भी हो, मेरे से सब डरता है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे से न डरे, मेरे से सब डरते हैं, चाहे से वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो। हाउ टू प्रटेंड आई डू आई कैन सी, what they say, what they say or how they, मुझे पता है कि मुझे देखकर वो लोग क्या कहते हैं, मुझे देखकर वो क्या सोचते हैं, और मुझे किस प्रकार से देखते हैं। how they pretend I know I can see, मैं जान सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि मुझे देखकर लोग कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। और तो मुझे कहता है कि मैं मुझे देखकर लोग कैसे कैसे प्रटेंड करते हैं, बाजे बनाते हैं। मिस्टर लैम कहता है सी बहुत क्या जानता है, जैसे उसने कहा ना मैं सब जानता हूं, तो मिस्टर लैम ने पूछा तू क्या जानता है, क्या जानता है? तेरी कहता है बहुत थी, मुझे देखकर लोग क्या सोचते हैं,
ये जानता हूं मैं वो कैसा, मुझे देखकर लोग क्या सोचते हैं ये जानता हूं मैं। मिस्टर बैग कहते हैं वो टू के थिंक है, तो फिर बता तेरे को देखकर वो क्या सोचता है, तुझे देखकर वो क्या सोचते हैं। तो बता वो क्या सोचते हैं। डैडी कहता है यू थिंक यस द बॉय, तुम्हें क्या लगता है, तुम समझते हो कि एक लड़का है, मतलब मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है, तुम समझते हो कि एक लड़का है। यू लुक एट मी, मेरी तरफ देख, तुम मेरी तरफ देख, देन यू सी माय फेस, जब तुम मेरी तरफ देखेगा ना तो तुझे मेरा चेहरा दिखाई देगा, जब तुम मेरी तरफ देखेगा तो मुझे तेरा चेहरा दिखाई देगा। एंड यू थिंक दैट्स राइट, और फिर जैसे ही तू मेरा चेहरा देखेगा तो तू ये कहेगा मैं क्या देखूंगा, मतलब तुझे लगेगा कि इतना बुरा, इतना भद्दा, इतना बदतर तुझे लगेगा। दैट्स अ टेरिबल थिंग, तुझे लगेगा तू भयानक प्राणी है, जैसे मेरा चेहरा देखेगा तुझे लगेगा तू भयानक प्राणी है। दैट्स द अगलीएस्ट थिंग आई एवर सा, तुझे लगेगा आज तक जिंदगी में तूने जितनी बदतर या भद्दी चीजें देखी उनमें सबसे ज्यादा भद्दा मेरा चेहरा, ये तुझे लगेगा। यू थिंक वर वॉट, फिर तू सोचेगा बेचारा लगेगा, तू सोचेगा बेचारा लगा, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूं बेचारा, नॉट पुअर अंडरनेथ, कम से कम मैं बेचारा तो नहीं हूं, ये बात तू सोच लेना। यू आर फैक्ट, फिर तुझे डर लगेगा, फिर तुझे डर लगेगा। एनीबडी वुड बी, अरे कोई भी हो तो डरता ही मुझे देखकर। आई एम वेन आई लुक इन द मिरर and sit and afraid of me। और तेरी तो बात ही क्या है, तू तो है ही क्या। अरे जब मैं अपने आप को दर्पण में देखता हूं तो मैं डर जाता हूं, यानी कि मैं अपने आप को जब दर्पण में देखता हूं तो मेरा चेहरा देखकर मैं खुद डर जाता हूं। तेरी तो बात ही क्या है, तू तो डरेगा ही डरेगा। मिस्टर लैम कहता है नॉ Not at not the fall of you, not of Mr. Lamb कहता है नहीं, जो तू कह रहा है ना पूरी बात सही नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को कि हो सकता है तेरा चेहरा देखकर तू डरता हो, तेरा चेहरा देखकर कोई बोल बैठा हो, लेकिन तेरा चेहरा देखकर सब डरे, मैं इस बात को नहीं मानता। डैडी थोड़ी देर रुकता है, मिस्टर लैम लेटर ऑन When it's a bike cooler, Mr. Lamb थोड़ी देर बाद में कहता है, ये देख, it's bike cooler। आज थोड़ी ठंडी ठंडी हवा है, यानी कि आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है। Except for you, I will get the ladder। तो सुन, मैं सीढ़ी लेके आऊँगा। मौसम बड़ा सुहाना है, अच्छा है। मैं सीढ़ी लेके आता हूँ, ladder लाता हूँ, and stick। और एक डंडा लाता हूं, एक लकड़ी का डंडा लाता हूं, एंड पुल डाउन दोस क्रैक पेपर्स, और वे वो जो पके हुए सेब है, उन पके हुए सेबों को मैं नीचे गिराता हूं, दे आर राइप फॉर इट, क्योंकि वो सेब नीचे गिराने के लिए पक चुके हैं, यानी कि वो पके, मैं सीढ़ी लाता हूं, डंडा लाता हूं, सेबों को नीचे गिराता हूं, आई गेट जेरी, फिर मैं उनका जूस बनाता हूं। चेरी का मतलब भी मैं इसका चेरी बनाता हूँ। इट्स गुड टाइम ऑफ ईयर सितंबर, मेरी बात सुन, इस समय सितंबर का महीना सबसे अच्छा महीना है। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, एक वो सुनहरे और ऑरेंज रंग के फल, दैट्स मैजिक फ्रूट, ये बड़े जादुई फल है। आई ओपन से मैं अक्सर इनको जादुई फल कहता हूँ। But it's best picked and made into jelly। ये सबसे अच्छा मौसम है, ये सबसे अच्छा समय है, इस समय इनको तोड़कर जूस बनाएगा।
युद्ध किए हुए हैं, क्या तुम इनको तोड़ने में मेरी सहायता करेगा? ये तुम पतेंगे शहर में, क्या इनको तोड़ने में तुम मेरी सहायता करेगा? वेरी गुड, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? क्या हुआ भाई, तेरा विषय कैसे बदल गया? मेरा चेहरा देखकर अब तक तो बातें कर रहा था, मेरे चेहरे की बातें चल रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने मेरा चेहरा देखा तेरा सब्जेक्ट कैसे बदल गया? मैं, मेरा चेहरा सब कुछ हट गया, अब तेरे को सेब दिख रहे हैं, सितंबर का महीना दिख रहा है, उनका गोल्डन और ऑरेंज रंग दिख रहा है, ये तेरे को बेस्ट मौसम नजर आ रहा है, अब तू इनका जूस बनाएगा, मैं इनको तोड़ने में तेरी सहायता करूंगा। अच्छा, सारी चीजें गए, वो कहां गया? मैं और मेरा चेहरा, पता चला है? Why don't you ask me? People always do that. मुझे देखकर लोग ऐसा ही लगते हैं, कुछ देखते ही रास्ता बदल लेते हैं, कुछ देखते ही आप ही उठा लेते हैं, कुछ देखने के बाद अपने सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, जैसे तुमने कर दिया। मुझे देखकर लोग अक्सर ऐसा ही लगते हैं। Why don't you ask me? अब क्यों नहीं पूछ रहा मुझे? अब मेरे से पूछने की तेरी हिम्मत क्यों नहीं हो रही? Why do you do? What they all do? तू भी क्यों वैसा ही करता है जैसे वो बाकी के लोग करते हैं? And pretend it isn't you and isn't there? और तू भी उनके जैसे ही बहाना बनाता है? क्या ये सही बात नहीं है? In case I see you looking and mind and get upset, मैं जाने जैसे तू भी मुझे देखा मेरे बारे में बातें क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें और में है, लेकिन इसका जवाब आपको शायद आज वाले से नहीं मिलेगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। व्हाई डिड डैडी नॉट लाइक
बीइंग विद पीपल। तेरी लोगों के साथ रहना पसंद क्यों नहीं? एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, डिस्क्राइब द सीन ऑफ मिस्टर लैंस गार्डन व्हेन देन एंटर्ड इनटू इट। ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर लैंग टेरी नॉट लाइक बीइंग विद पीपल, टेरी लोगों के साथ रहना पसंद क्यों नहीं करता था? इसका जवाब ये होगा, टेरी थॉट दैट पीपल यूज्ड टू अफ्रेड ऑफ हिम। टेरी थॉट दैट पीपल यूज्ड टू अफ्रेड ऑफ हिम। टेरी ये सोचता था कि लोग उससे डरते हैं। देयरफॉर ही डिडंट लाइक बीइंग विद पीपल बिकॉज़ ही डिडंट didn't want to make anybody else afraid, क्योंकि वो किसी को डराना नहीं चाहता था। Students, that the skin suit, सबसे पहले skin suit देखो बेटा, and inform me have you done or not? अजय चौधरी ने ले लिया, मनीषा वर्मा ने ले लिया, सोनू आज लेट के सिर्फ जीरो, तुम सोनू 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 सुन रही है क्या मुझे? अच्छा ठीक है ठीक है, सोनो राव, इफ यू आर इन द मीटिंग एंड आर एंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी, टेल मी व्हाई आर यू ओके? आज आप देरी से क्यों जुड़ी है बेटा? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम से बातें कर रही है। चलो अपन जी चलो एंजल गुंबा बताओ, कल मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, सी यू टुमारो।